गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन ई लर्निंग क्लास बाय सविता सांगवान। टुडे वी विल स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। सो लेट्स टेक एग्जांपल। एग्जांपल इज देयर, अ केक रेसिपी रिक्वायर्स 2:1/4 कप्स ऑफ मिल्क एंड 1 and half cups of melted butter. If these are only liquids, how much liquid is in recipe? Then, बेटा जैसे कि ये मिल्क है, लिक्विड फॉर्म में है, और मेल्टेड जो बटर होगा वो भी लिक्विड हो जाता है, और दोनों लिक्विड को मिलाकर टोटल कितना लिक्विड हमारे पास हो गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल के लिए क्या करते हैं, वी विल ऐड। तो वी कैन ऐड होल इन होल नंबर, 2+1 is 3। नाउ ऐड फ्रैक्शनल नंबर इन फ्रैक्शनल नंबर, हाफ एंड 1/4 part। हाफ हाफ मीन्स दिस वन, एंड 1/4, दिस इज द 1/4 part। एंड नाउ बोथ मेक टुगेदर 3/4। हाउ कैन वी सॉल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट फ्रैक्शनल नंबर इन टू द लाइक फ्रैक्शंस बाय टेकिंग एलसीएम। आप देख सकते हैं 1/2 से वी कैन जनरेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 4 बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2। नाउ वी विल गेट 2/4। नाउ वेन यू विल ऐड दीज, you will get 3/4. So answer will be 3 3/4. I think it is clear. So let's move forward. One more example from your book, and you have to solve the this example in your notebook also. Rohan ate 1/4 of cake on Monday, half cake on Tuesday. Then what fraction of cake did he eat on these 2 days? So it is very easy. Fraction of cake eaten on Monday, 1/4, as it is shown in picture. Half on Tuesday, and on 2 days total cake eaten, half and 1/4 will make 3/4. क्लियर है? अभी अब पीछे भी सॉल्व किया था, हाफ को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट करेंगे, हैविंग डिनोमिनेटर 4, वी विल गेट 2/4. Now we will add these two fraction, like fraction, we will get 3/4. Clear hai? Aage chale beta. Now let's take one more example. Pillar and Farooq are training for a 5K run. K is considered as 1000, as you can see in Facebook and Facebook, YouTube. के 1000 को रिप्रेजेंट करता है, लाइक्स वगैरह जो हम शो करते हैं के में जो होते हैं दैट वो 1000 के इक्वल होते हैं। ओके, ऑन अ रिसेंट संडे दे बोथ कंप्लीटेड आ रन। फारूक रन 7/8 mile, पिलर रन 3/4 mile। हाउ मच फादर डिड फारूक रन देन पिलर? फादर फार फादर फारदेस्ट, सेकेंड डिग्री है एडजेक्टिव की, इट इज़ यूज टू कंपेयर बिटवीन टू, टू डू कंपेरिजन बिटवीन टू, दो के बीच में कंपेरिजन करने के लिए इसमें बताया। हाउ मच फार्दर डिड अ फारूक रन आफ्टर रन देन पिलर? तो कितना ज़्यादा दूर वो उसे रन कर पाया पिलर से, इसमें खुद बताया हुआ है फारूक ने ज़्यादा रन किया है, कितना किया है वो आपसे पूछा है। तो हमें कौन किससे ज़्यादा कर रहा है उसके कंपेरिजन, कितना ज़्यादा किया है, टेकिंग अवे समथिंग मीन्स सब्ट्रैक्शन, तो डिफरेंस जो है सब्ट्रैक्शन से होगा। Now we will subtract 3/4 from 7/8. तभी हमें उन दोनों का डिफरेंस पता चलेगा, 3/4 का रेशो उसमें से निकाल देंगे, जो बच गया जो एक्स्ट्रा है जितना 3/4 से, दैट इज़ द डिफरेंस। क्लियर है? तो डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू जनरेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम। Now here you can see 8 will be the LCM, least common multiple, because 8 is also the multiple of 4. क्योंकि 8 जो है 4 का भी मल्टीपल है, और मैंने आपको सिखाया है कि जो बिगर
टेबल है उसको रिसाइट करें, अगर उसका जो मल्टीपल दूसरी टेबल में भी आता होगा वही एलसीएम होगा। अब इसको हम 8 में डेनोमिनेटर को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 3 2 6 अपॉन 8। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट, वी विल गेट 1 अपॉन 8। सो फारूक रैन 1/8 माइल मोर देन पिलर। क्लियर है? आगे चलें। नाउ लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ वर्कशीट 5। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, अंजलि स्पेंट 1/5 ऑफ हर पॉकेट मनी ऑन कॉमिक्स, 3/4 ऑन स्वीट्स। हाउ मच ऑफ हर पॉकेट मनी डिड सी स्पेंड ऑल टुगेदर? तो बेटा इसमें आपको पॉकेट मनी कितनी है वो कुछ नहीं बताया, कितने पैसे खर्च किए वो कुछ नहीं बताया, उसका पार्ट बताया है, उस पॉकेट मनी का जो भी है कितना पार्ट यूज़ हुआ कॉमिक्स पे, कितना स्वीट्स पे। और आपसे भी उसका फ्रैक्शन ही, फ्रैक्शन फॉर्म में ही आंसर पूछा गया है कि दोनों का मिला के व्हाट शी स्पेंड ऑल टुगेदर, दोनों को मिला के क्या उसने स्पेंड किया। तो बेटा इजी है, आपको दोनों को मिलाना मीन्स ऐड करना, ऐड करने का मतलब होता है, ठीक है, वी विल पुट टुगेदर, दोनों को साथ कर देना, मिला देना, ऐड कर देना। तो इसको कैसे ऐड करेंगे? बाय कन्वर्टिंग इन लाइक फ्रैक्शन। तो स्माइली भी वर्क करेगी क्योंकि 5/4 कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। सो 4/1 इज़ 4, 3/5 इज़ 15, प्लस सिंबल इज देयर, 5/4 इज़ 20। नाउ आंसर विल बी 19/20। क्लियर है? लेट्स सी द सॉल्यूशन। स्पेंट ऑन कॉमिक्स, स्पेंट ऑन स्वीट्स, टोटल स्पेंट। क्लियर है? नेक्स्ट। अब देखिए बेटा, इन अ हाई जंप कॉन्टेस्ट रमेश जंप्ड दिस मच, राकेश जंप्ड दिस मच, हु जंप्ड मोर हाइट एंड हाउ मच। हु जंप्ड मोर, किसने ज़्यादा जंप किया, कितना ज़्यादा हाइट तक जंप किया। तो देखिए बेटा यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, ऑब्जर्वेशन से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसने ज़्यादा जंप किया। यू कैन सी हेयर, यहाँ 3 मीटर समथिंग है, यहाँ 4 मीटर समथिंग है, तो 4 इज़ ग्रेटर दैन 3। सो राकेश जंप्ड मोर, राकेश ने कितना जंप किया, 4:1/3। हाफ मार्क्स का आंसर तो आपको पता चल गया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट हाउ मच। रमेश जंप्ड 3:8/9। अब हम वन मेथड तो ये है कि हम इसमें से होल में से होल सब्ट्रैक्ट करें, 1 आ गया, बाकी को भी सब्ट्रैक्ट कर लें, 1/3 में से 8/9 कांट भी सब्ट्रैक्टेड। क्यों? क्योंकि बेटा हम अगर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट करें विद डेनोमिनेटर 9, बिकॉज 9 इज़ ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3, तो वी कैन सी हेयर 3/9, वी कॉन्ट सब्ट्रैक्ट 8/9 फ्रॉम 3/9। सो वट वी विल डू, हम क्या करेंगे, जैसे हम सिंपल होल नंबर वाले ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए करते हैं, बोरो करते हैं, तो सेम इस तरह से इस 1 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसके 9 हैं तो इसको भी 9 में, तो 9 3 यहाँ हैं ऑलरेडी, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम दिस, 9 3 12 12 - 8/9 4/9। क्लियर है? तो इस तरह से आप करेंगे। दूसरी तरीके से भी देख लेते हैं, ये तो होल में से होल सब्ट्रैक्ट करके अलग अलग हमने होल पार्ट को अलग सोल्व किया है, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग सोल्व किया है। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप डायरेक्टली दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें और मींस फ्रैक्शनल नंबर में बना दें और फिर फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर लें। क्लियर है? देख लेते हैं, नॉर्मल किया, 4 3 12 12 1 13/3, 9 3 27 + 8 30/35/9। नाउ एज वी नो राकेश जम्प्ड मोर देन रमेश बाय, तो वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस टू नो हाउ मच, 13/3 - 35/9। नाउ जनरेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम दैट इज 9। लिस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी 9 बिकॉज 9 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। तो अब हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 39 आया, 39 - 35 4/9 मीटर, राकेश जम्प्ड मोर बाय 4/9 मीटर। ओके,
इतना ज़्यादा उसने जंप किया। आगे चलेंगे, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है बेटा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन सोनल स्टडीड फॉर 3.5 आवर, सी स्टडीड साइंस फॉर 1.25 आवर, मैथमेटिक्स फॉर द रेस्ट ऑफ द आवर। तो बेटा सोनल ने टोटल इतना टाइम स्टडी किया और उसने साइंस को जो स्टडी किया 1.25 आवर के लिए, मैथमेटिक्स को बाकी टाइम के लिए। देन यू हैव टू टेल हाउ मच टाइम डिड शी स्टडी मैथमेटिक्स, देन वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ स्टडी ऑफ मैथ्स। ओके, एज वी नो सोनल टोटल टाइम ऑफ स्टडी वाज 3.5 आवर एंड सी स्टडीड साइंस फॉर 1.25 आवर। यहीं से हम स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, सोनल स्टडीड टोटल टाइम इतना, सी स्टडीड साइंस फॉर 1.25, सी स्टडीड मैथ्स फॉर। अब मैथ्स का फाइंड आउट करना बेटा, एक तो होल में से होल सब्ट्रैक्ट कर लें, 3 - 1 - 2, नाउ सब्ट्रैक्ट 1/4 फ्रॉम हाफ, तो हमें पता है ये हाफ का भी हाफ है, देन व्हाट विल वी गेट, हाफ का भी हाफ कर दें तो क्या मिलेगा हमें, 1/4 पार्ट, क्लियर है, 2.25 आवर। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये देखिए बेटा इसको नॉर्मल करके कैसे किया, 3 - 2 = 6 - 1 = 7/2, 4 - 1 = 4 और 1 = 5/4, नाउ सब्ट्रैक्ट 5/4 फ्रॉम 7/2, वी विल जनरेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 4, नाउ बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू ईच टर्म, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हमने दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट किया। नाउ वी हैव कॉमन LCD, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर इज 4 एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 14, वी विल गेट 9/4, तो 9/4 आ रहे हैं, इसको मिक्स कर लेंगे बेटा, 4 से डिवाइड करके 2 कंप्लीट हो गया, तो 2 होल नंबर बन गया। जो फ्रैक्शनल पार्ट जो रिमेनिंग है उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट नहीं बन का है, तो उसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे 1/4। नेक्स्ट, सो लेट्स रीड डी पार्ट। मिस्टर गुप्ता हैड 15:25 लीटर ऑफ पेट्रोल इन हिज कार, he went for a drive, by time he reached home he had only 2 1/3 liter of petrol left, how much petrol was used। to beta mr gupta ki car mein kitna petrol tha, itna jab wo drive pe gaye, aur jab wo wapas aaye ghar to kitna bacha hua tha, he had only 2 1/3 liter of petrol left, bacha hua tha, left means bacha hua tha, then how much petrol was used, now we have to find out how much was used। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, जो बच जाता है यूज़ कितना हुआ, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, हम टोटल में से जो लेफ्ट है उसको निकाल दें तो जितना यूज़ हुआ वो हमें पता चल जाएगा, क्लियर है, तो देख लेते हैं। और टेकिंग अवे मीन सब्ट्रैक्शन, तो निकालने का मेथड एक तो वही है, होल में से होल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, वी विल गेट 13। अब 2/5 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करें तो स्माइली वर्क कर लेगी, यहाँ पे क्या आ गया, 3 - 2 - 6 - 5 - 1 = 5 / 15, 1/15, क्लियर है, तो 13 and 1/15 लीटर इतना है। चेक कर लेते हैं दूसरे तरीके से नॉर्मल करके, ये देखिए उसको नॉर्मल किया, 15 = 75 - 77 पेट्रोल लेफ्ट 2:1/3, 3 - 2 = 6 - 1 = 7/3, नाउ विच हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ पेट्रोल यूज वी विल फाइंड आउट द बाय डिफरेंस, उसका डिफरेंस करेंगे, टोटल में से हम वो निकाल देंगे जितना बचा हुआ है, तो जितना यूज़ हुआ वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे भी स्माइली वर्क करेगी, 5/3 कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो 77 को 3 से मल्टीप्लाई किया 231, 7/5 = 35, 5/3 = 15, डिफरेंस इज 196/15। अब हम इसको मिक्स में बना लेंगे,
15 से डिवाइड किया 13 आ गया, 13 कंप्लीट नंबर है तो उसको होल नंबर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बच गया उसको फ्रैक्शनल पार्ट में शो करेंगे 1/15th। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट, और ये सेम है बेटा दोनों का, आप देख सकते हैं आंसर। ई पार्ट को रीड करते हैं। मिसेस कुमार बॉट 2 and 2/5 केजी पोटैटोज, 2 kg अनियन एंड 1 and 2/5 kg टमाटोज। फाइंड द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स मिसेस कुमार बॉट। तो बेटा एज यू कैन सी 2 and 2/5 kg पोटैटोज, 2 kg अनियन, 1 and 2/5 kg ऑफ टमाटोज। नाउ यू हैव बीन आस्क्ड टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल, तो हमें टोटल करना है। वन मेथड इज देयर, ऐड कर दें होल पार्ट को 2, 2, 4, 1, 5, 5 तो ये हो गया, और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से ऐड कर देते 2/5 + 2/5 पार्ट, तो आंसर इज 5 + 4/5, क्योंकि वो लाइक में है ऑलरेडी, तो 5:4/5 kg। क्लियर है? लेट्स सी, देखिए नॉर्मल करके कैसे आए, 5 × 2 = 10 और 2 = 12/5, 2 kg डिनोमिनेटर नहीं गिवन है तो 1 अंडरस्टूड है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 7/5। नाउ लेट्स ऐड, 5 विल बी द एलसीएम, क्योंकि 1 का भी मल्टीपल 5 होगा, तो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट कर लिया, 12 और 7 तो सेम रहेंगे क्योंकि उनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 5 है, तो 2/1 बन गया 10/5, क्योंकि 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को तो 5 से न्यूमरेटर को भी किया, 5 × 2 = 10, तो अब हम इनको ऐड करेंगे 12, 10, 22 + 7, 29, 29/5, अब मिक्स करेंगे 5, 5 = 25 और 4 = 29, तो सेम है आंसर जो हमने सेपरेटली ऐड करके फाइंड आउट किया था। क्लियर है? आगे चलेंगे। नेहा यूज्ड 1.5 meter रेड रिबन, 3/4 येलो, 1 meter वाइट, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ रिबन सी यूज फॉर हर प्रोजेक्ट। तो बेटा वन मेथड इज देयर कि हम उसको होल होल को ऐड कर दें 1, 1, 2, अब क्या बचा हुआ है 1/2 and 3/4 part, इनको अलग से ऐड कर लें कैस, तो इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट करें, आप पहले भी कर चुके इसको, तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इज़ द एलसीएम, 2 + 3, 5/4, तो क्या आ गया 2 + 5/4। अब हमें पता है कि 5/4 अगर इसका मिक्स बनाएंगे तो क्या आएगा 2 + 1 = 1/4, तो 1 और होल नंबर है 2 और 1 = 3, 3 = 1/4, इतना आ जाएगा बेटा। क्लियर है? तो कैसे किया, तो यहाँ देखिए बेटा इसको नॉर्मल करके 3/2, 3/4, 1 meter, तो डिनोमिनेटर 1 अंडरस्टूड है इसका, अब हमें दिख रहा है 4, 2 का भी मल्टीपल है 1 का भी, तो 4 विल बी द एलसीएम, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट कर लिया विद डिनोमिनेटर 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है 4 बनाने के लिए, इसको 4 से, तो 3 × 2 = 6, 3 एज इट इज़, 1/4 = 4, 6/4 = 10 + 13/4, अब इसको मिक्स में किया 4 × 3 = 12, 1 लेफ्ट, तो 3 कंप्लीट और 1 इन फ्रैक्शनल पार्ट, कितने उसका फ्रैक्शन का 4 का 1/4। क्लियर है? सेम है बेटा, तो बेटा आज इसे ये आप कंप्लीट करेंगे।